नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह के सवाल को सॉल्व करेंगे। और ये जो सवाल है इसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया इसको सॉल्व कैसे करेंगे, और इतना लंबा सवाल है इसको सॉल्व करना तो इम्पॉसिबल है, और वो एग्जाम में छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इस फॉर्मेट में कोई भी सवाल आ जाए तो आपको क्या करना है और इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरा दावा है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर देखिए हमें क्या दिया गया है, 1 - 1/3, फिर दिया गया है 1 - 1/4, फिर दिया गया है 1 - 1/5, ठीक है। और ये कहां तक गया है, 1 - 1/100 तक, ठीक है। मतलब कि यहां पर 5 है, फिर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, ऐसे ही ये कहां तक गया है, 100 तक गया है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। मतलब कि यहां पर जो हमें दिया गया है इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसका गुणा करिए इसमें, ठीक है, और इस वाले को इसमें से घटा दीजिए, ठीक है। तो 3 × 3, 3 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे, 2, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा 2 और बटे में आ जाएगा 3, क्लियर। ये हमारा कोष्टक बंद, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाइए यहां पर, ठीक है। यहां पर देखिए 4 × 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 3। तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3/4, और ये हमारा कोष्टक बंद, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए यहां पर 5 × 5, 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ये हो जाएगा हमारा 4/5, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर जो लास्ट वाला है ये क्या हो जाएगा, 100 × 100, 100 - 1 मतलब 99, तो ये हो जाएगा 99/100, ठीक है। अब देखो, अब यहां से जो सवाल है हमारा सोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर देखिए हम लिखेंगे 2/3, ठीक है। ये इसका मतलब क्या है, कोष्टक हटाएंगे तो यहां पर गुणा लगाना पड़ेगा। यहां पर भी क्या है, 3/4 है, फिर इसके बाद 4/5 है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे चलते 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 यहां पर आ जाएगा 99/100, ठीक है। अब देखिए यहां पर यदि हम इसको काटें तो देखिए यहां से 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, ठीक है। इसी प्रकार से सीरीज हमारी चलेगी तो यहां पर क्या आएगा, इससे पहले क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा 98/99, इससे पहले ये होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहां पर और यहां पर होगा हमारा 98 और यहां पर क्या होगा, 97, तो 98 में से 98 कट जाएगा। तो इस प्रकार से सब कुछ कटता चला जाएगा और हमें क्या मिलेगा, सिर्फ हमें मिलेगा यहां पर 2, ठीक है, और लास्ट का बटे में जो है 100, ठीक है। तो 2/100 हमें यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2/100 हो जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो देखिए 2 × 2 और यहां पर 2 × 5 = 10 और 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 1/50 जो है वो हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। तो देखिए कितने सिंपल तरीके से हमने क्या कर दिया है, इसको सॉल्व कर दिया है। अब देखिए इसमें हमने किया ही क्या है, सिर्फ इनको सॉल्व किया है, फिर जो संख्याएं कट रही थी उनको काट दिया, हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाया कि भैया यहां पर 2 बचेगा, यहां पर 100 बचेगा, और इसको काट देंगे तो 1/50 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह का कोई भी सवाल होगा आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय